हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आज क्लास थर्ड का हम चैप्टर नंबर 2 रीड कर रहे हैं, द रॉयल सर्वेंट। द रॉयल सर्वेंट का क्या मतलब होता है? शाही सेवक है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि सेवक के ऊपर ही है। यहाँ पर देखा होगा आप लोगों ने कि अलग अलग देश की अलग अलग वेशभूषा होती है ना, अलग अलग लोगों का पहनावा होता है, खान पीन होता है। तो यहाँ पर हम ये जो स्टोरी है ये किसी अफ्रीका के किसी गांव की स्टोरी है, तो हम उसी स्टोरी को देखेंगे। हम द किंग ऑफ कैमेरा इन अफ्रीका वॉज द प्राउड एंड स्टर्न मैन फियर्ड बाय ऑल हिज सब्जेक्ट। अफ्रीका का जो राजा था कैमेरा, तो वो कैमेरा जो था वो बहुत ही प्राउडी था, बहुत ही घमंडी था, उसे बहुत ज़्यादा घमंड था और वो दूसरों को डरा के रखने वाला व्यक्ति था। सभी तो उसके जितने भी जो राजा के जितने भी प्रजा थी वो सब उससे डरती थी। दे वर फेयर्ड ऑफ हिम। वन डे वाइल सिटिंग इन हिज मर्ड पैलेस, एक दिन वो अपने राजमहल में बैठा हुआ था, सराउंडेड बाय द स्केयर्ड कोर्टियर्स एंड वॉच्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल हु हैड केम टू सी हिम, ही वॉज सडनली ओवरकम बाय द सेंस ऑफ रिचनेस एंड लाउडली डिक्लेयर्ड दैट ही वॉज द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड एंड दैट ऑल मैन वर हिज सर्वेंट। तो वो अपने राजमहल पे बैठा रहता है, अपने सिंहासन पे बैठा हुआ है और इसी के साथ उसके सिंहासन पे जब कोई राजा बैठता है तो उसके इर्द गिर्द कौन होते हैं? उसके बहुत सारे काम करने वाले व्यक्ति रहते हैं, विलेजर्स रहते हैं, तो वो सारे व्यक्ति भी उसके सामने बैठे हुए थे। लेकिन क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, जो किंग था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, बहुत ज़्यादा प्राउडी था, तो जो दूसरे लोग हैं, जो उनकी जनता है, वो उससे डरी हुई थी। तो अचानक से, मतलब जो उसको वैसे भी बहुत प्राउड था, बहुत घमंड था, तो अचानक से एक लाउड वॉइस आती है राजा की और लाउड वॉइस में राजा बोलता है कि मैं इस पूरी दुनिया का मास्टर हूँ, राजा हूँ और जितने भी लोग मेरे सामने हैं इस दुनिया में रहते हैं वो सब मेरे सेवक हैं, वो सब मेरे सर्वेंट हैं। यू आर मिस्टेकन सेड द फ्रेल वॉइस, एक कांपती हुई डरती हुई, मतलब एक कमजोर सी आवाज सुनाई देती है कि यू आर मिस्टेकन, आप गलती कर रहे हो, ऑल द मैन आर सर्वेंट्स ऑफ वन अनदर, और कहता है कि आप जो बोल रहे हो कि सभी व्यक्ति मेरे सर्वेंट हैं ये पूरी तरीके से गलत है। जो व्यक्ति हैं, जो इंसान रहते हैं, वो एक दूसरे के सर्वेंट रहते हैं। एक दूसरे का सर्वेंट का मतलब होता है कि जब हमें किसी की आवश्यकता पड़े या फिर हमें कोई हमारी मदद चाहे तो हमें उसकी मदद देनी चाहिए और किसी को हमारी मदद की अगर आवश्यकता होती है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम एक दूसरे के सर्वेंट्स हैं क्योंकि समय समय पे हम एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। तो इसी संदर्भ में वो जो एक कमजोर सी आवाज आती है वो कहती है कि ऑल द मैन्स आर सर्वेंट ऑफ वन अनदर, हम सब एक दूसरे के सर्वेंट थे। ए डेथली साइलेंस फॉलोड द रिमार्क, अब क्योंकि वो राजा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था और वो कह रहा था कि मैं राजा हूं, मेरे सभी लोग मेरे सर्वेंट हैं, मैं इस वर्ल्ड पे हुकूमत है मेरी, तो जब ये वॉइस सुनता है कि आप मिस्टेक कर रहे हो, चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, सभी बिल्कुल चुप हो जाते हैं। द ब्लड फ्रोज इन द वेन ऑफ द पीपल असेंबल्ड देयर, देन द किंग एक्सप्लोज्ड इन द एंगर, अब क्योंकि सभी डरे हुए रहते हैं, ऐसा कहा जाता है जैसे डर जाते हैं तो स्थिर हो जाती है, स्थिति बिल्कुल स्थिर हो जाती है। इसी प्रकार से जितने भी लोग वहाँ पर थे उन सबके जो खून है वो जम गए थे, इतनी ज़्यादा साइलेंट आ गई थी, किसी की सांस लेने की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। अब ये जब राजा ये सुनता है तो राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है, द किंग एक्सप्लोडेड इन एंगर, उसका जो गुस्सा वो फूट पड़ता है, हु डेयर टू से दैट, और वो गुस्से में कहता है कि किसकी हिम्मत हुई, डेयर का मतलब होता है हिम्मत, किसकी हिम्मत हुई ये कहने की, ही डिमांडेड राइजिंग फ्रॉम द रॉयल स्टूल, और वो खड़ा होकर बोलता है कि किसकी ये हिम्मत हुई ये कहने की, हु डेयर सजेस्ट दैट आई एम द सर्वेंट, किसकी हिम्मत हुई कि मैं किसी का सर्वेंट हूं, आई डू सेड द वॉइस इन द क्राउड, और उस भीड़ में से एक आवाज फिर से आती है और वो कहते हैं कि मैंने कहा, मैं कह रहा हूं कि हम एक दूसरे सभी एक दूसरे के सर्वेंट हैं। एंड द पीपल पार्ट आउट टू रिवॉल्व द वाइट हेयर्ड ओल्ड मैन लेनिंग हैविली ऑन अ स्टिक, और उस भीड़ में से एक बुजुर्ग आदमी जिसकी सफेद दाढ़ी है, जो अच्छे से चल भी नहीं पाता, लकड़ी की सहायता से चल रहा है, वो उस भीड़ में से निकल के सामने आता है। हु आर यू, आस्क द किंग, किंग बोलता है, राजा पूछता है कि तुम कौन हो, आई एम द बोबर सेड द मैन, वो अपना नाम बताते हुए बोलता है,
वी हैव नो वाटर इन अवर विलेज. वो कहता है कि हमारे गांव में पानी नहीं है. आई हैव केम टू आस्क फॉर अ वेल टू बी डिग देयर. और मैं तो आपसे सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि हमारे गांव में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, तो आप हमारे गांव में कुआ खुदवाओ. सो यू आर द बेगर. तो राजा उसे प्राउडली, क्योंकि राजा घमंडी तो था, राजा बोलता है अच्छा तो तुम बेगर हो. रोड द किंग, गुस्से में किंग चिल्लाता है. द स्ट्राइटिंग डाउन टू वेयर द मैन स्टूड, येट यू डेयर टू कॉल मी द सर्वेंट. और वो बोलता है कि तुमने ही मुझे सर्वेंट कहा. वी ऑल सर्व वन अनदर. तो सर्वेंट, तो राज, वो जो ओल्ड मैन रहता है वो कहता है कि हाँ मैंने कहा कि हम मैंने ये नहीं कहा कि आप सर्वेंट हो. मेरा कहने का ये मतलब था कि हम सब एक दूसरे को सर्व करते, एक दूसरे की मदद करते हैं. शोइंग नो फियर, उस ओल्ड मैन को किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं लग रहा था. बगैर डर के वो ये सब बोले जा रहा था. एंड आई विल प्रूव इट टू यू बिफोर नाइट फॉल. और वो जो ओल्ड मैन है वो ये कहता है कि मैं इस बात को सिद्ध कर सकता हूँ कि हम एक दूसरे के सर्वेंट हैं. आज की रात पूरी होने से पहले मैं आपको ये सिद्ध कर दूंगा. डू दैट सेट द मोनार्च. मोनार्च मतलब किंग. मोनार्च का मतलब किंग रहता है. राजा से ही मोनार्च कहते हैं. तो मोनार्च कहता है, राजा कहता है अच्छा तुम सिद्ध करके बताओ. फोर्स मी टू वेट ऑन यू. इफ यू कैन डू दैट आई विल हैव नो वन बट थ्री वेल डिग इन योर विलेज. बट इफ यू फेल्ड यू विल लॉस योर हेयर. राजा धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने ये प्रूव कर दिया कि मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ तो मैं एक कुएं नहीं, तुम्हारे गांव में तीन कुएं खुदवा दूंगा. लेकिन अगर तुम गलत सिद्ध हुए तो तुम्हें अपने सर की बलि देनी पड़ेगी. इन अवर विलेज सेट द ओल्ड मैन, When we accept the challenge, we touch the person's feet. Let me touch your feet, hold my stick. और वो जो ओल्ड मैन है वो कहता है कि हमारे गांव में इस प्रकार का कल्चर है, इस प्रकार का नियम है कि अगर हम किसी को चैलेंज करते हैं, हम अगर चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो हम पैर टच करके स्वीकार करते हैं. तो पकड़िए आप मेरी स्टिक, पकड़िए. The king took the stick and the old man bent down and touched the monarch's feet. जो old man है वो अपनी stick राजा को पकड़ाता है. राजा उसकी stick को पकड़ लेता है. जैसे ही राजा उसकी stick को पकड़ता है, जो old man है वो राजा के पैर छूने के लिए नीचे झुकता है और राजा के पैर को touch कर लेता है. Now you may give it back to me. अब touch करके खड़ा होता है. खड़ा होने के बाद वो जो old man है वो बोलता है अच्छा चलो अब मेरी stick मुझे वापस करो. He said Straightly up, the king gave him back his stick. तो जैसे ही राजा ये सुनता है, राजा उसे उसकी stick वापस करता है. पहले राजा ने उसकी stick पकड़ी, फिर राजा उसी के कहने पर उसकी stick वापस भी कर देता है. Do you want any more proof? Ask the bobbers proof. Ask the king. अब जो राजा है, अब जो old man है, वो राजा से बोलता है कि अभी भी मुझे proof करने की क्या जरूरत है? कि आप हमारे आप हम सब एक दूसरे के सर्वेंट हैं. यू येट माई स्टिक वैन आई आस्ड यू टू एंड गेव इट बैक टू मी वैन आई आस्ड यू फॉर इट. देखा, जब मैंने आपसे कहा आपने मुझे स्टिक, मेरी स्टिक आपने पकड़ी. जब मैंने कहा आपने मुझे मेरी स्टिक वापस भी करी. तो हुए ना, जैसा मैंने आपसे कहा वैसा वैसा आपने किया. तो सेड द ओल्ड मैन, आस्क्ड आई सेड ऑल गुड मैन आर सर्वेंट ऑफ वन अनदर. तो ओल्ड मैन बोलता है कि जो भी अच्छे मनुष्य रहते हैं वो हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के सर्वेंट रहते हैं. द किंग वॉज सो प्लीज्ड विद द रॉयल सर्वेंट. तो जो राजा होता है उस ओल्ड मैन से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है. तो जैसा राजा ने कहा था कि अगर वो प्रूफ कर देगा उसके गाँव में कुएं खुदवाएगा, तो राजा उसके गांव में कुआ खुदवाता है. कुआ खुदवाने के साथ साथ ही जो राजा है वो उस ओल्ड मैन को एडवाइजर के रूप में अपने राज्य में नियुक्त करता है. तो ये स्टोरी स्टूडेंट्स यहीं पर ख़त्म होती है. इसी प्रकार से और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं, वो हम आगे वाली वीडियो में आपको लाते रहेंगे. थैंक यू.